हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम एनडीए का मैथ्स का जो ट्रिक का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 10 है ये। इसमें प्रोबेबिलिटी स्टेट्स और वही कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चंस लिए हैं जो पार्ट 9 में हमने डाला है। आपने पार्ट 9 नहीं देखा तो इसके पहले पार्ट 9 देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 1 से 8 तक भी अपलोड है मैथ्स का ट्रिक्स, वो भी आप देख सकते हैं। एनडीए आप 2016 का पेपर अपलोड है, एनडीए 1 2017 का पेपर अपलोड है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अभी तक आपने मैथ सर मोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, अभी तो फ़ायदा होगा ही, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैथ्स इन मोर का फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द एनी टू डिफरेंट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर। अब देखो, आपका नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट वन से आपका कहाँ तक आएगा, 9 तक आएगा। इसमें हमको क्या लेना है, दो हमको लेना है डिफरेंट डिजिट लेना है। तो दो डिफरेंट डिजिट हम लेंगे तो आपका कितना है, 9 है, तो 9C2, 9 में से हमको कितना लेना है, 2 लेना है। तो 9C2 के लिए बताया था 9 × 8/2 × 1, तो ये 2 से कट गया 4, तो 9 4 जा किया 36 जो बन गया, ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा टोटल आपका। उसके बाद से अब ये हमको दिखाना है कि जो हम दो नंबर जो लेंगे इनका जब सम करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। पहली बात कि प्राइम नंबर जो होता है दो के अलावा आपका क्या है, कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड होता है, इवन एक ही प्राइम नंबर होता है। और हमको नंबर क्या लेना है, डिफरेंट लेना है। तो 1 + 1 ही 2 आएगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, इसलिए तो इवन नंबर आपका आएगा नहीं। अब क्या हमको ऑड नंबर लाना है। अब एडिशन में क्या होता है कि कोई भी दो इवन को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे 2 + हम करते हैं 4 6 हो जाएगा, ऑड में ऑड का जब एडिशन करते हैं तब भी आपका इवन ही आएगा। जैसे 3 + 1 + 3 किया ये भी 4 आएगा। ऑड कब आएगा, जब एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो, एक इवन और एक ऑड होगा तब उनका सम आएगा, क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 और 9 ये क्या है आपका, ऑड नंबर हो गया, और 2 4 6 8 ये आपका इवन नंबर हो गया। अब इसे हम पेयर बनाते हैं, 1 से जैसे मान लो 1 हमने लिया, तो 1 का पेयर बनाएगा तो क्या आएगा, 1 से हम 2 का, 1 + 2 कितना हुआ, 3 आपका प्राइम नंबर हो गया। 1 + 4 लेंगे तो आपका ये आपका 5 प्राइम नंबर होगा, 1 + 6 लेंगे 7 प्राइम नंबर हो गया, 1 + 8 करेंगे 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 1 से जब हमारा बनाएंगे 1 2 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 आपका 6 बनेगा, 1 8 जो होगा ये नहीं होगा, तो 3 बना आपका तो ये 3 होगा। इस तरह 3 से हम पेयर बनाएंगे तो 3 बनेगा, 5 से बनाएंगे तो आपका फिर 3 बनेगा, 7 से बनाएंगे तो केवल 2 ही बनेगा, क्योंकि 7 2 आपका 9 हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। 7 और 4 आपका निकालेंगे 11, ये बनेगा नहीं, ये आपका 7 6 आपका 13 हो जाएगा, और 7 8 15, तो 15 नहीं बनेगा। और ये आपका ये बना था 7 और 6 13 बना था, 7 2 9 बजे, तो इसमें 7 में 2 ही बचे बनेगा, 9 में फिर से 3 बनेगा। तो इस तरह ये दो ऐड करेंगे तो ये आएगा 14 आएगा, और टोटल सैंपल स्पेस कितना आ रहा था, 36, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी इसमें आएगा 14/36, तो 7/18 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आपका 7/18 इसका ऑप्शन होगा बी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें आपका नंबर सिस्टम से लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ही आ रहे हैं एनडीए में, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दे रहे हैं। ये दिया 12th क्वेश्चन, करे क्वाइन टॉस 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द टेल्स अपीयर द ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। देखो टेल्स कर लेंगे ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो क्या होगा आपका 5C1 आएगा, 5C3 आएगा, 5C5 आएगा, और सिंपल स्पेस क्या होगा, 2/5 हो जाएगा आपका, 32 हो गया। देखो ये जो अभी बताया था 2/32 क्या आपका आएगा, 5C0 से लेके आपका 5C5 तक आएगा। अभी पीछे भी मैं समझा रखा हूँ, इस पार्ट 9 उसमें भी बता रखा हूँ ये, तो 5C आपका 5 आएगा, क्योंकि 2 1 + x^n के फार्मूले में होता है, NC0 NC1 NC2, बाइनोमियल थ्योरम में भी बता रखा हूँ ये। तो इसमें आपका ये या 5C1 5C2 5C आपका 5 तक जाएगा। अब इसमें आपको क्या लेना है, ऑड नंबर का लेना है, तो ऑड नंबर में क्या आएगा, 5C1 आएगा, 5C3 आएगा, 5C5 आएगा। उसको जब सम करेंगे 5C1 5 होगा, 5C3 को यहाँ सॉल्व किया तो 5C2 हो जाएगा, 5 × 4/2 × 1, तो ये 10 बनेगा, 2 से कट गया है, 5 2 या 10 आ गया। अब 5C5 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका बन गया 16 ये टोटल। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 16 जो आपका आ रहा है, या आपका फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम जो आ रहा है 32, तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। इसमें दिया द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ द बाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस दिया है, देन द
कर रहे हैं कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कोरिलेशन का आपका ये फार्मूला होता है आर जो निकालते हैं, इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन होता है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, रूट आएगा, ये प्लस माइनस आता है। जब दोनों निगेटिव होंगे तो आर आपका निगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर आपका पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों से इसका रूट निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 0.8 आएगा, ये 0.6 आएगा, ये प्लस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस में समझाने के लिए लिखा हूँ, तो ये 48 हो जाएगा, 0.86 या 48 हो गया, तो ये प्लस माइनस आएगा, दोनों क्या है माइनस, इसलिए आंसर में क्या आएगा माइनस वाला होगा, दोनों जब प्लस होते तो ये प्लस वाला आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कॉइन टॉस 3 times, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक कॉइन को 3 times टॉस करते हो तो 8 simple इसमें बनता है ये टोटल। अब इसमें अल्टरनेट मतलब हो गया कि हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, तो ये केस यहाँ बनेगा, और ये टेल आए हेड आए और टेल आए, तो ये केस ये बनेगा, दो ही केस ऐसे आएगा जिसमें अल्टरनेट आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो ये 2 by कितना हुआ 8, 1/4। ये ईजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, करे 3 dice, यहाँ ध्यान देना है 3 dice थ्रो करे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 3 faces, जो 3 face आपके बनेंगे उस पर सम कर रहा है कि एटलीस्ट 5, कम से कम कितना हो 5 हो, 5 से ज़्यादा हो सकता है। तो आपको जो सम जो आएगा वो 5 और 5 से ज़्यादा चाहिए, तो हम 5 और 5 से ज़्यादा काउंट करने में बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम सम को क्या करेंगे जो आपका 5 से कम, क्योंकि आपका सबसे छोटा सम क्या आएगा 3, तीनों डाइज पे 1 1 1 आएगा तब आपका सम 3 आएगा, और उसके बाद आपका 4 के लिए क्या आएगा, 1 2 पे 1 आएगा, 1 पे 2 आएगा, तो इस तरह 3 केस बनेंगे। ये आपका पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 1 आ रहा है, ये थर्ड पे आपका आ रहा है 2, फिर इस तरह 1 2 1 और 2 1 2, तो इस तरह ये 3 केस बनेंगे ये, और 1 केस ये बनेगा 4। ये 4 ही में आपका जो होगा ये 5 से क्या आएगा कम आएगा, बाकी में आपका क्या होगा 5 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा, तो हमको 5 से ज़्यादा का निकालना है, और सबका सम क्या आएगा 1 आएगा, तो हम 1 में से क्या करेंगे ये 4 की जो आपका जो आ रहा है लेस देन 5, ये 5 से जो कम है उनको निकाल के क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे, तो ये ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हम इवेंट लेते हैं ग्रेटर देन 5, तो ये 1 - 4 अपॉन कितना हुआ 2, क्योंकि आपका 3 बार हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये इसका सिंपल स्पेस 6 power आपका 3 216 बन जाएगा, और ये आपका 4 by 216 इसमें से 1 में से माइनस होगा, तो 1/54 होगा कट के, तो 1 - 1/54, तो 54 - 1 53/4, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था। ये 16 है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Sunday इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर मंथ में कितने डे होते हैं 31 days होते हैं, और आपका 7 से डिवाइड करेंगे कि 1 week में 7 days होते हैं, तो 1 Sunday आएगा ही आएगा उसमें, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 times जाएगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 3, तो 3 days में लेफ्ट बच रहा है। अब 3 days में आपका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो आपका संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, क्योंकि 3 days लेफ्ट हो रहा है, तो 3 days में कंटिन्यूस संडे मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर इस तरह हमने बनाया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और सैटरडे संडे मंडे। अब ये टोटल कितने हो रहे हैं आपका 7 बन रहा है, तो इसमें से 7 में से अब देखो क्या कह रहा है कि संडे कहाँ कहाँ आएगा, एक फर्स्ट में ये संडे यहाँ आएगा, एक संडे आपका यहाँ आएगा, और एक संडे आपका इसमें आएगा, तो 1 2 3, तो 3 by कितना हुआ टोटल आपका बन रहा है ये 7, तो 3 by 7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ऑप्शन इसमें सी। काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा क्वेश्चन है। इस तरह जैसे मान लो दिसंबर की जगह कोई और मंथ दे दे, जैसे जून दे दे, तो जून में कितना होता है 30 days होता है, तो फिर हम डिवाइड करेंगे तो 2 days लेफ्ट बचेगा, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे संडे मंडे मंडे ट्यूजडे, इस तरह आपका जैसे उस लीप ईयर का भी क्वेश्चन आता है कि लीप ईयर में आपका जैसे 53 Sunday का देता है, 53 Sunday या 53 Monday कोई भी डे पूछ सकता है, तो उसमें भी 2 by 7 ही आंसर आता है, 2 by 7 लीप ईयर में आएगा, लीप ईयर में क्योंकि 366 days होता है। अब वही जब नॉन लीप ईयर जब होता है तो 53 Sunday या 53 Monday का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1/7 आएगा, क्योंकि नॉन लीप ईयर में 365 days होता है, तो आपका 1 day लेफ्ट, जैसे यहाँ 3 days लेफ्ट बचा, 2 days आपका बचेगा लेफ्ट, और 365 days जब वो नॉन लीप ईयर होगा तो 1 day लेफ्ट बचेगा, तो 1 day में आपका संडे या मंडे कोई भी पूछता तो एक ही दिन आएगा, और 7 दिन बचेंगे, तो 1/7 इसमें आता है नॉन लीप में, लीप ईयर में 2/7 आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अभी कह रही ये पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इन साइड द रेक्टेंगल मेजरिंग 6 inch एंड 4 inch, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड द पॉइंट एट लीस्ट 1 inch
फ्रॉम द एज ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ये आपका दिया है, ये आपका रेक्टेंगल दिया है 6 और ये 5, तो 6 5 जो 30 है, सिंपल स्पेस बन जाएगा इनटू एरिया इसका। और इसमें एक 1 इंच क्या कर रहा है कि अंदर को बन रहा है, तो 1 इंच इधर से भी लेस होगा, 1 इंच इधर से भी लेस होगा, तो 2 इंच लेस हो गया, तो ये आपका लेंथ इसकी 4 हो जाएगी। 1 इंच इधर से लेस होगा, 1 इधर से लेस होगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। तो ये जो एरिया आएगा 4 × 3 = 12 हो गया, और एरिया 6 × 5 = 30 हो गया, तो 12/ जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि इसी के बीच हमको पॉइंट लेना है, जो ये एरिया इसके बीच लेना है, तो 12/ कितना हुआ 30 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 2/5 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है इफ़ 2 डाइज आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 2 फेसेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो सम जो होता है, ये मैं ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं बता दिया कि सम जो आपका आएगा, देखो 2 आता है तो 1 1 आता है इसमें, और आपका सम जब 3 होगा तो इसमें 2 केस आएगा, सम 2 में ये केस, क्योंकि 1+1 आएगा, और आपका 3 में जैसे 1 1 और आपका क्या आएगा 2 आएगा, 2 और 1 आएगा, इस तरह सम 4 में आएगा, 5 में, 6 में, सारा मैंने लिख दिया कि कितने, जैसे 12 में 1 ही आएगा, 11 में 2 केस आएगा, इससे आपका आएगा। अब ये टोटल जो आपका सिंपल स्पेस होता है 6 × 6 = 36 आएगा, जब 2 डाइज को हम थ्रो करते हैं, और इसमें कह रहा है कि जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 ही क्या हुआ 4 5 6, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आएगा ये, तो टोटल ना निकाल के हम क्या करते हैं, जो सम 2 और 3 आएगा उसको हम क्या करते हैं माइनस, तो 2 कितने एक तरीके से आ सकता है 1 वे और 3 आपका 2 वे, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, 36 में जो 3 माइनस करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 33/ कितना आएगा 36, तो इस सिंप्लीफाई को तो 11/12, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि फॉर द डेटा दिस, ये आपका डेटा दिया, द मीन मीडियन एंड द मोड आर XYZ कर रहे हैं इस पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इसमें बताना है, तो कोई सिंपल इसको हमने क्या किया कि ये रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, तो डेटा को जब हमने रीअरेंज कर दिया असेंडिंग में, तो इसमें मोड देखो कितना आ रहा है 5 आएगा, क्योंकि 5 इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड 5 हो गया। अब मीडियन क्या होगा कि ये 4 इधर गया 4 इधर गया, तो आपके बीच के 2 नंबर्स को प्लस करके बाई 2 करेंगे, तो 5+5 = 10/2, तो ये मीडियन भी 5 हो गया, और मीन निकालने के लिए सबको प्लस करेंगे तो 50 आ रहा है, 50/10 = 5, तो तीनों क्या रहा है सेम आ रहा है, तो X=Y=Z, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ए सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसाइल हिट्स द टारगेट विथ प्रोबेबिलिटी P=0.3, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स शुड बी फायर सो दैट देयर इज एन एटलीस्ट 80% प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। इसको करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पी इसमें दिया है प्रोबेबिलिटी आपका 0 दिया है 3, तो क्यू जो हो जाएगा वो 0.7 होगा, 1 में से माइनस करेंगे, एन हम लेट करते हैं कि हमका नंबर ऑफ टाइम जो हिट करेंगे वो आपका एन है, एन टाइम उसको हिट कर रहे हैं, तो अब ये पी एक्स इक्वल टू एक्स या आर का आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया था कि आर दिया है, तो एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। अब ये यहाँ पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दिया 0.7 या आपका 0.3 हो जाएगा, ये आर हो गया। अब यहाँ पे हम पी एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो एन सी 0 आपका 0. ये दिया 7 पावर n हो जाएगा, और इसके पावर आपका 0 हो जाएगा 0.3 का, आर की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 दिया और आपका 0.3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये 0.7 पावर n आएगा। इसका यूज इसमें आता है, जैसे हम पी दिया प्रोबेबिलिटी हिट द टारगेट एटलीस्ट 1, तो इसमें दिया 80%, ये ग्रेटर देन क्या दिया है, ये आपका 80% होगा, तो ये जो होता है प्रोबेबिलिटी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह रहा है कि एटलीस्ट एक बार यदि हिट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया 80%, तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपका दिया है 80%, 80/100 हो गया। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 - PX = क्या होता है 0 होता है, तो पी एक्स इक्वल टू जब 0 होगा तो पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या दिया है 0.7 पावर n दिया है, तो ये आप यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ का 1 - 0.7 पावर n इक्वल टू ये हो जाएगा 80/100 आपका 0.8 हो गया, 0.8 हो गया ये। अब इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1 में से इधर ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये आपका इस साइड चला गया, तो 1 - ये 0.8 ग्रेटर देन कितना हुआ 0.7 पावर n हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको पहले लिखें तो ये लेस देन हो जाएगा, इसमें से 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखते हैं कि n की वैल्यू ये क्या पुट करें कि इसकी वैल्यू जो हो गई आपकी क्या हो 0.2 से
कम आए, क्योंकि 0.71 पुट करेंगे तो 0.7 आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या हुआ, 7 जब 49.4 आएगा, तो इससे आपका फिर भी बड़ा है। इस तरह 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करें, 4 पुट करते हैं तो आपका ये आएगा, 4 का या पावर आपका 24 आपका 01 होता है, ये तो मोस्टली पता होता है। तो ये आपका यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो क्या 24, फिर भी ये इससे क्या ज़्यादा है। जब 5 करेंगे तब ये 16807 होता है, 1680 पॉइंट यहाँ लग जाएगा यहाँ पे, तब ये 2 से क्या होगा, कम हो जाएगा। 2 से कम लोगे तो क्या एन की वैल्यू क्या होगी, 5 या 5 से फिर ज़्यादा कोई भी नंबर इसमें पुट करते जाएंगे तो ये 2 से क्या, क्योंकि डेसिमल का जब हम स्क्वायर करते हैं तो डिजिट वो धीरे धीरे क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, 5 या 5 से बढ़ाते, इसलिए एन की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाए, ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ये लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे और कह रहा है 53 सैटरडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें आपका लीप ईयर में 366 डे होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 टाइम जाएगा और 2 डेज इसमें लेफ्ट बचता है। तो 2 डेज में ये बनता है आपका कि मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे, तो ये आपका 7 हो गया, कि 7 वे आपका बनेगा इस तरह। अब इसमें आपको दिखाना है कि 53 जो आपका फ्राइडे के लिए और सैटरडे के लिए, तो फ्राइडे देखो कहाँ पे आ रहा है आपका, फ्राइडे यहाँ आ रहा है और अब फ्राइडे यहाँ आ रहा है, फिर आपका सैटरडे कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है और सैटरडे आपका यहाँ आ रहा है, तो तीन ही बंदा है, 1 2 3 1 2 3 में आपका क्या हो रहा है, तो ये आपका इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी। कई बच्चे इसमें ज़्यादातर गलती कर देते हैं कि ये इसको दो बार काउंट कर लेते हैं तो ये 4 टाइम ले, ये 4 नहीं हो, क्योंकि ये दोनों आपका एक ये बनेगा, एक इवेंट ये हो, ये हुआ और एक ये हुआ, तो 3/7 होगा, 4/7 इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करके दे देता है, सेम चीज़ यही बनता है हमारा, और ये देता है कि फ्राइडे और आपका सैटरडे की जगह फ्राइडे एंड सैटरडे देता है, फ्राइडे और एंड सैटरडे देता है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे की प्रोबेबिलिटी और की जगह एंड दे देता है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे आपका कहाँ पर बच रहा है, एक ही ये है आपका फ्राइडे सैटरडे क्या है, एक ही आपका आएगा, फिर तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आता है 1/7 हो जाता है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी, और में देगा फ्राइडे या सैटरडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फ्राइडे इसमें भी आ रहा है, फ्राइडे इसमें सैटरडे आ रहा है, और फिर आपका यहाँ सैटरडे आ रहा है, तो आपका 3/7 होगा। इसी क्वेश्चन में केवल आपका ये वाला नहीं दिया होता इतना, ये ना देखिए केवल बोलता है कि 53 फ्राइडे बताना है, तो फ्राइडे में आपका कितना, फ्राइडे एक यहाँ बच्चे आएगा, एक फ्राइडे आपका यहाँ आएगा, तो इसके लिए निकालना है केवल 53 फ्राइडे या 53 संडे या सैटरडे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आएगी। और ये जब नॉन लीप ईयर जब हो जाता है, नॉन लीप ईयर में ये पूछता है कि 53 फ्राइडे 53, तो पीछे बता चुका हूँ कि इसमें केवल एक ही बचेगा मंडे, क्योंकि इसमें 1 डे लेफ्ट होगा, तो 7 डेज में आपका 1/7 आता है उसमें। द एवरेज ऑफ द डेली इनकम ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री इंक्लूडिंग दैट ऑफ द ऑनर इज ₹110 है, हाउएवर इफ़ द इनकम ऑफ द ऑनर एक्सक्लूडेड, उसको निकाल देते हैं, द एवरेज ऑफ डेली इनकम ऑफ द रिमेनिंग 9 वर्कर इज आपका 76 हो जाता है, तो व्हाट इज द डेली इनकम ऑफ द ऑनर, ऑनर को मिला के कितने लोग थे, 10 आदमी थे, अब 10 का जो एवरेज था कितना था, 110 था, जब एक आदमी निकल गया, ऑनर निकल गया, तो एवरेज का और डिक्रीज हो रहा है, एवरेज डिक्रीज का मतलब होता है कि ऑनर की इनकम जो थी वो एवरेज से क्या थी, ज़्यादा थी, तो एवरेज से ज़्यादा थी इसका मतलब कि 110 तो लेके वो जा ही रहा है, जितना वो कमा इस जितना एवरेज था, और एवरेज वो डिक्रीज कितना हो रहा है, 34 एवरेज जो होगी वो डिक्रीज हो गई, तो 34 जो हो वो आपका 9 पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 into 34 प्लस 110 जो एवरेज लेके गया है, इतना पैसा उसका होगा। एक तो तरीका यह है कि 9, इसमें सिंपल तरीका होता है कि जब एक्सक्लूड करते हैं हम कोई चीज़ को बाहर निकालते हैं, तो उसे देखते हैं कि एवरेज यदि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो आमदनी थी या वो उससे एवरेज से ज़्यादा पैसा कमाता था, तो जितना लोग बचते हैं और जो आपका डिफरेंस आता है, जैसे 110 में ये 76 का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आपका 34 आ रहा है, 110 में से 76 माइनस करेंगे, 34 जो रिमेनिंग बचे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो वो एवरेज थी, क्योंकि वो गया था इतना एवरेज, तो उसका कम लेके गया ही पैसा ये, तो इसमें 110
ऐड कर देती थी, 416 हो जाएगा। नहीं तो जो एवरेज आपका कम आ रहा है 34, एवरेज जो डिक्रीज हो रहा है, तो पूरे आदमी 10 का मान लो, 10 में से आपने इसको कर दिया, इतना एवरेज क्या हुआ, 10ों पे इफेक्ट डालेगा वो, तो 76 हो, 34 इंटू आपका इसमें 10 आ जाएगा। अब प्लस 76 जो एवरेज आपका आ रहा है, इसको ऐड कर देंगे तब भी 410 आएगा। तो इस तरह शॉर्टकट में क्वेश्चन हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे आपका ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो 10 इंटू आप करोगे यहाँ पे, 10 इंटू 100 10 आएगा, माइनस फिर ये आपका 9 इंटू आएगा आपका, ये 76 आएगा, इक्वल टू जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते आपका इन्वेलप जो क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसर्टिंग ऑल द एन लेटर्स इन राइट एड्रेस इन्वेलप, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/n होता है। वही पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग एटलीस्ट वन लेटर इन रॉन्ग इन्वेलप, तो रॉन्ग या 1-1/n होता है। इसी पे एक आपका यहाँ लिया हूँ क्वेश्चन 23 है, कह रहे कि देयर आर फोर लेटर दिया है एंड फोर इन्वेलप दिया है, कह रहे कि दीज फोर लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इन द फोर इन्वेलप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द करेक्ट आपका करस्पॉन्डिंग इन्वेलप। तो इसका अभी बताया था कि 1/n होगा, n कितना है इसमें 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो 1/n क्या हुआ 4 हो गया, 432 तो आपका 1/24 हो गया, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो लगा कैसा। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी, और इससे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर का, उसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।